आठ चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है खाने पीने या हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है जबकि रोजेदार होना या दांतों में कोई चीज़ चने के बराबर हो तो उसे निकलने से रोज़ा टूट जाता है आंसू या पसीना मुंह में चला जाए इसकी नमकीनी मुंह में मालूम हो तो रोज़ा टूट जाता है अगर दांतों से खून निकले और इसका ज़ायका हलक में महसूस हो तो भी रोज़ा टूट जाता है रोजे के फवाद रोज़ादार छोटी बड़ी बुराइयों से बचा रहता है किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है ऐसी चीज़ जो मुंह में रखने से गल जाए चीनी वगैरह और थूक निकल लेना तो रोज़ा टूट जाएगा वजू के दौरान कुल्ली कर रहे थे और खुद ब खुद पानी हलक से उतर गया या नाक में चला गया दिमाग में चला गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है क्योंकि नाक में डाली गई दवा नाक के ज़रिए हलक में आ गई तो भी इससे रोज़ा टूट जाएगा जो लोग रोज़े की हालत में तंबाकू नोशी या सिगरेट लेते हैं तो उनका भी रोज़ा टूट जाता है रमज़ान का महीना सिगरेट की आदत छोड़ने के लिए बेहतरीन महीना है क्योंकि इस महीने आप अपनी तमाम ख्वाहिशात को काबू में कर सकते हैं अगर किसी शख्स ने कागज़ जानबूझकर खा लिया हो तो उसका भी रोज़ा टूट जाएगा कान में कोई भी दवा या तेल डालने से रोज़ा टूट जाता है क्योंकि कान के ज़रिए दवा या तो हलक में चली जाती है, इससे भी रोज़ा टूट जाता है रोज़े की हालत में इन्हेलर का इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है दमा के मरीज़ इनहेलर का इस्तेमाल अफ्तारी के बाद यहाँ फिर शहरी से पहले कर लें हलक में पानी या पसीने का कतरा चला गया तो भी इससे रोज़ा टूट जाएगा अगर किसी शख्स ने जानबूझ कर मुँह भर के खा लिया तो भी इससे रोज़ा टूट जाएगा माहवारी हेज का आना तो भी इससे रोज़ा टूट जाता है अगर किसी रोज़ेदार ने भूल कर कुछ खा पी लिया तो भी इससे रोज़ा नहीं टूटता लेकिन इसके बाद दोबारा खा पी लेने से रोज़ा टूट जाएगा जानबूझकर कभी भी नहीं खाना पीना अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि बालों को कलर करने से रोज़ा टूट जाता है ये बात बिल्कुल गलत है कि बालों को रंगने से रोज़ा टूट जाता है रोज़े की हालत में भी आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं तो कर ले इससे रोज़ा नहीं टूटता किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते और किन किन चीज़ों से टूट जाता है और कज़ा या कुफारा लाजिम करना होता है अगर रोज़ेदार भूल कर कुछ खा भी ले या भूले से खावन से हम बिस्तर हो जाए तो इसका रोज़ा नहीं टूटता मकरूह हो जाता है अगर भूल कर पेट भर कर भी खा पी ले तब भी रोज़ा नहीं टूटता अगर भूल कर कई दफ़ा खा पी लिया तब भी रोज़ा टूट जाएगा किसी शख्स को भूल कर कुछ खाते पीते देखा तो रोज़ा मकरूह हो जाता है हलक के अंदर मक्खी चली गई या खुद ब खुद धुआँ चला गया या गिरदो गुबार चला गया तो रोज़ा नहीं टूटता लोबान एक ऐसी गूँद जो आग पर रखने से खुशबू देता है लोबान का धुआं सूंघ लेना या फिर इसको अपने पास रखकर सूंघना तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है इसी तरह से हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाता है अलबत् इस धुएँ के सिवा अतर गुलाब और फूलों की खुशबू सूंघना जिसमें धुआं ना हो तो वो दुरुस्त होता है इससे रोज़ा नहीं टूटता दांतों में गोश्त का रेशा अटका हुआ था या कोई चीज़ थी इसको निकाल कर खा गए लेकिन मुँह से बाहर नहीं निकाला आप ही आप हलक में चले गई तो देखो अगर चने से कम है तब तो रोज़ा नहीं टूटता अगर चने के बराबर इससे ज़्यादा है तो आपका रोज़ा टूट जाएगा अलबत् अगर मुँह से बाहर निकाल लिया था फिर इसके बाद निकल गए तो हर हाल में रोज़ा टूट गया है चाहे वो चीज़ चने के बराबर हो या इससे भी कम हो दोनों का एक ही हुक्म है थूक निकलने से रोज़ा नहीं जाता चाहे जितना ही क्यों ना हो अगर पान खाकर खूब कुल्ली करारे करके मुंह साफ़ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई तो इसका कुछ हर्ज नहीं रोज़ा नहीं टूटेगा नाक को इतनी ज़ोर से सुलग लिया कि हलक में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटता इसी तरह मुंह की राल निकल जाने से रोज़ा नहीं जाता मुंह में पान रखकर सो गए हो और सुबह हो जाने के बाद आँख खुली तो रोज़ा नहीं हुआ कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला गया तो इससे रोज़ा टूट जाता है किसी ने कंकरियाँ लोहे का टुकड़ा वगैरह कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसको नहीं खाया करते और ना ही इसको कोई बतूर दवा खाते हैं तो इसका रोज़ा टूट जाता है लेकिन इस पर कुफारा वाजिब नहीं और अगर ऐसी चीज़ खा ली या फिर पी ली जिसको लोग खाया करते हैं या कोई ऐसी चीज़ है कि यूँ नहीं खाते लेकिन बतूर दवा की ज़रूरत के वक़्त खाते हैं तो भी रोज़ा टूट जाता है रोज़े को तोड़ने से कुफारा ही लाजिम आता है जबकि रमज़ान शरीफ में रोज़ा तोड़ने वाले रमज़ान शरीफ के सवाह और किसी रोज़े के तोड़ने से कुफारा वाजिब नहीं होता चाहे जिस तरह तोड़ें अगर छः व रोज़ेदार रमज़ान की कज़ा ही क्यों ना हो अलबत् अगर इस रोज़े की नीयत रात से ना की हो या रोज़ा तोड़ने के बाद उस दिन हेज़ आ गया तो इसको तोड़ने से कुफारा वाजिब नहीं किसी ने रोज़े में निस्वार लिया और निस्वार को नाक में चढ़ाया हुक्का पी लिया और पीने की दवा नहीं पी तब भी रोज़ा टूट जाता है लेकिन सिर्फ़ कज़ा वाजिब है कुफारा वाजिब नहीं अगर कान में पानी डाला तो रोज़ा नहीं टूटता मुंह से खून निकलता है तो इसको थूक के साथ निकल गए तो रोज़ा टूट गया अलबतः अगर खून थूक से कम हो और खून का मज़ा हलक में मालूम ना हो तो भी रोज़ा नहीं टूटता अगर ज़ुबान से कोई चीज़ चक्कर थूक दी हो तो रोज़ा नहीं टूटता लेकिन ख्वाह खवाह ऐसा करना मकरू है हाँ अगर किसी का शोहर बड़ा बदमिजाज हो और ये डर हो कि सालन में नमक वगैरह दुरुस्त ना हो तो नाक में दम कर दे तो इसको नमक चख लेना दुरुस्त है और वो मकरू नहीं हुआ अगर किसी को अपने मुँह से चबा कर छोटे बच्चे को खिलाना मकरू है अलबत्त इसकी ज़रूरत पड़े तो मजबूरन हो जाए तो वो मकरू नहीं कोयला चबा कर दांत मांजना और मंजन टूथपेस्ट से दांत साफ़ करना मकरू है अगर इसमें से कुछ हलक में उतर जाए तो रोज़ा टूट जाता है मिसवाक से दांत साफ करना हो दुरुस्त है चाहे सूखी मिसवाक हो या ताज़ी उसी वक्त तोड़ी हो या अगर नीम की मिसवाक है तो इसका कड़वा पन में मालूम होता है तब भी मकरू नहीं किसी ने भूले से कुछ खा लिया और यूँ समझे कि मेरा रोज़ा टूट गया है इस वजह से फिर कुछ खा लिया तो अब रोज़ा टूट जाता है इसका कज़ा और कोफारा दोनों ही वाजिब नहीं अगर किसी को के आ गई है तो वो समझे कि मेरा रोज़ा टूट गया है इस गुमान पर कुछ खा लिया और रोज़ा तोड़ दिया तो भी कज़ा वाजिब है कुफारा वाजिब नहीं अगर सुरमा लगाया या तेल डाला फिर समझे कि मेरा रोज़ा टूट गया है फिर इससे रोज़ा नहीं टूटता रमज़ान के महीने में किसी का रोज़ा इतफाकन टूट गया तो रोज़े टूटने के बाद दिन में कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं सारा दिन रोज़ेदारों की तरह रहना भी वाजिब है किन वजूहत से रोज़ा तोड़ना जायज़ है अचानक किसी को बीमारी पड़ गई है कि रोज़ा तोड़ना या तोड़ा तो जान चली जाएगी या बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है जैसे अचानक पेट में ऐसा दर्द उठा कि बेताब हो गई या सांप ने काट लिया या दवा पी ली तो रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है ऐसे ही अगर किसी ऐसी प्यास लगी हो कि मर जाने का पूरा अमकान हो तो रोज़ा तोड़ डालना दुरुस्त है हामला औरत को कोई ऐसी बात पेश आ गई है जिससे अपनी जान या बच्चे की जान जाने का डर है तो रोज़ा तोड़ डालना दुरुस्त है खाना पकाने की वजह से बेहद प्यास लगी और इतनी बेताबी हो गई कि अब जान जाने का खौफ है तो रोज़ा खुल डालना दुरुस्त है रोज़े के रूहानी फवाद रोज़े की हालत में हलाल और पाकीज़ा चीज़ों से बचने की वजह से सारा साल हराम चीज़ों से बचने की सलाहियत इंसान में पैदा होती है और इसी का नाम तकवा है एहसास और शुक्रगुज़ारी में डूब जाता है रोज़ा रखने से हराम लज्जतों की तलब और इनकी तरफ़ ध्यान ख़ुद ब खुद कम हो जाता है जिसकी वजह से साल भर नफ्स की आम दिनों में अल्लाह की नेमतों का एहसास नहीं होता जब इंसान रोज़ा रख कर सारा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करता है शहवत और हराम रस्तों पर काबू पाना इंसान के लिए आसान हो जाता है कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक का एक प्यारा सा नाम लिख दें रोज़ा रखने के जिस्मानी फ़ायदे ए ईमान वालों तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज किया गया है जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज किया गया था ताकि तुम इख्तियार रखो रोज़ा रखने से पहले ही दिन इंसानी जिसम में जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो जाता है रोज़ा रखने से उम्र में बरकत होती हैं रोज़ा इंसान के दिल व दिमाग को रोशन बनाता है रोज़ादार हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में शुमार होता है रोज़ा आपके जिसम में मौजूदा चर्बी को कम करने में मदद देता है और वज़न में कमी को फ़रूग देता है दिमाग काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है रोज़ा रखने से बहुत सी बीमारियां ख़त्म होती हैं सीने की जलन को दूर करने में मदद देता है ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है शुगर लेवल को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है मुबारक सिर्फ इंसान की रूहानी तहिरर का ही नाम नहीं बल्कि रमज़ान के दौरान रोज़े रखने और इबादत की मशक़ से इंसान जिसम को भी बेपनाह फ़वाद हासिल होते हैं निज़ाम इंजाम को बेहतर बनाने में मददगार है सारा दिन भूखा प्यासा रहने से रोज़ेदार को गरीब हो नादार लोगों की भूख का एहसास होता है एक दूसरे से हम जज्वी का जज्बा उजागर होता है रोज़ा रखने से इंसान की सेहत बेहतर हो जाती है और इंसान कई बीमारियों से बचा रहता है रमजानुल मुबारक में शहरी और अवतार का वक़्त मुकरर होता है इससे रोज़ेदार में नजम ज़ब्त पैदा होता है रोज़े के दौरान भूख और प्यास और ख़्वाहिशात पर काबू पाने से इंसान के अंदर तकवा पैदा होता है अल्लाह ताला रोज़ेदार के पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर देता है रमजानुल मुबारक में इबादत का अजर कई गुना बढ़ जाता है रोज़ा गुनाहों से बचने का बेहतरीन ज़रिया है एक बहुत प्यारा सा सवाल आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा रमज़ान के बारे में कुछ ज़रूरी बातें एक शख्स ने डॉक्टर से सवाल किया डॉक्टर साहब ने मुझे दवा लिख कर दी है उसका वक्त दो महीने का था और मुसलसल इस्तेमाल करता था उसी महीने रमज़ान आ गया जिसमें मैंने रोज़े ना रखे क्या मुझे इसकी कज़ा करनी पड़ेगी यानी जैसे कोई जान बूझ कर रोज़े छोड़ दे तो उनके लिए एक ग़ुलाम आज़ाद करना दो महीने के रोज़े रखना या साठ गरीबों को खाना खिलाना तो क्या मुझे भी ऐसे ही करना पड़ेगा या खालिस रोज़े रखना पड़ेगा मुझे मशवरा दें अगर मैं दुरान रमज़ान के बाद इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो वो चल सकता है मैंने शुरू किया और सामने रमज़ान आकर खड़ा हो गया तो अब मैं क्या करूँ जिसमें मेरे कुछ रोज़े रह गए हैं आप शरीयत के मुताबिक मुझे बताइए ताकि इस पर अमल करके आखरत के गुनाहों से बच जाऊँ अगर आपको ऐसी बीमारी लाहक थी जिसमें शरण रोज़े ना रखने की इजाज़त होती है तब तो आप पर गुनाह नहीं अलबतः जितने रोज़े माह रमज़ान के आपने नहीं रखे उतने रोज़ों की सिर्फ़ कज़ा आप पर लाजिम है यानी कि दस रोज़े नहीं रखे थे तो इसकी जगह पे बानियत कज़ा दस रोज़े हो रख लीजिए अगर आपको ऐसी कोई बीमारी लाक नहीं थी तो आपने माह रमज़ान के रोज़े ना रखकर बड़ा गुनाह किया जिसकी तोबा ज़रूरी है रो रो कर अल्लाह ताला से इस कोताही की माफ़ी मांगे और इस सूरत में भी आप पर सिर्फ कज़ा ही है यानी जितने रोज़े नहीं रखे इसकी जगह बानियत कज़ा उतने रोज़े रख लेना काफ़ी है आप पर कुारा यानी ग़ुलाम आज़ाद करना साठ गरीबों को खाना खिलाना वगैरह नहीं है आप सबको मुबारक के रोज़े बहुत बहुत मुबारक हों